अश्विनीज मेजबानी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रेश कोकोनट की बर्फी। कच्चे नारियल की बर्फी बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट और बहुत फटाफट बन जाती है और बहुत कम सामान में और कम समय में ये बन जाती है। 2-3 इंग्रेडिएंट्स में ये कोकोनट की बर्फी बन जाती है बहुत फटाफट और बहुत टेस्टी लगती है, सबको बहुत पसंद आती है। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। नारियल की बर्फी बनाने के लिए मैंने ये नारियल लिए है। मैंने इनको कल ये तोड़ के फ्रिज में रखा था। ये तुरंत तोड़ते हैं तो ये जल्दी से ये जो हार्ड पोर्शन होता है ये निकलता नहीं है, फिर ये अच्छे से निकलते नहीं है, इसलिए इसे फ्रिज में रखने से ओवरनाइट ये अपने आप साइड से लूज हो जाते हैं और हमें ये नारियल निकालना ईजी हो जाता है। तो इस तरह से अभी ये चाकू की हेल्प से हम इसे निकाल देंगे। तो देखो ये इजीली निकल जाता है इस तरह से। तो अभी मैं ये सारे नारियल ये निकाल देती हूँ। देखो इस तरह से मैंने ये सारे नारियल को निकाल दिया है। अभी हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा बहुत डस्ट होता है तो इसे एक कॉटन के कपड़े से, साफ कपड़े से इसे पोंछ लेना है। आप इसे वॉश भी करके ले सकते हो। नारियल का जो ये ब्लैक पोर्शन है, ये बर्फ़ी बनाते हैं तो बर्फ़ी का वाइट कलर नहीं आता, तो इसलिए हमें ये ब्लैक पोर्शन हटाना है। तो इसे हम चक्कू की हेल्प से इसे निकाल देते हैं इस तरह। अगर आपको नहीं निकालना है तो इसके साथ भी हम बना सकते हैं, ये वेस्ट नहीं जाएगा। इसे आप ग्राइंड करके इसका पाउडर बना के आप ग्रेवी वाली सब्जी में इसे यूज कर सकते हो। इस तरह से मैं ये सारे नारियल के पीसेस को ये इस तरह से इसका छिलका निकाल देती हूँ। देखो इस तरह से मैंने पूरे नारियल का ये ब्लैक पोर्शन हटा दिया है। अब ये देखो कितना वाइट लग रहा है। तो अगर आप इसे ग्रेट करना चाहते हो तो ग्रेट कर सकते हो, या तो फिर इसके छोटे छोटे पीसेस बना के मिक्सी में डाल के इसे ग्राइंड कर सकते हो। ये ईजी हो जाता है, ग्रेट करने में टाइम लग जाता है। डेसिकेटेड कोकोनट होता है उस तरह से हमें इसका पाउडर बनाना है। तो मैं कर लेती हूँ। देखो इस तरह से मैंने सारे पीसेस बना दिए हैं। अब मैं इसे एक ग्राइंडिंग जार में डाल देती हूँ, जितने आएंगे उतने डाल देना है। हमें इसका पाउडर बनाना है जिस तरह से डेसिकेटेड का पाउडर होता है उस तरह से। तो अभी मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ। देखो इस तरह से मैंने इसका पाउडर बना दिया है, इस तरह से। ज़्यादा मोटा नहीं है और ना ज़्यादा बारीक है, इस तरह से बनाना है। अभी देखो एक बाउल में इसे निकाल दिया है। गैस पे एक कढ़ाई रखी है, अब हम उसमें ऐड करेंगे घी। तो मैं यहाँ 2 चम्मच के करीबन घी ऐड कर रही हूँ। जो हमने नारियल का पाउडर बना के रखा है उसे मैं इस बाउल से मेजर कर देती हूँ। तो ये जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें ये शुगर यूज करने में आसानी होगी। तो इस तरह से इस में बाउल से मैं इसे मेजर कर देती हूँ और तुरंत हम ये जो मेजर कर रहे हैं नारियल का पाउडर, ये हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे। तो ये 2 बाउल हो गए इस तरह से। ये मैंने 3 बाउल डाल दिए हैं, 3 कटोरी। आप जिस भी चीज़ से मेजर करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ये इसमें शुगर डालना पड़ेगा। ये आप शुगर की जगह कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हो। इसी मेजरिंग कटोरी से या बाउल से ये 3.5 कटोरी ये हमारा नारियल का पाउडर है। मैं इसे 2 मिनट के लिए चला देती हूँ। इस तरह से मैंने इसे 2 मिनट अच्छे से भून लिया है लो फ्लेम पे। हमारा 3.5 कटोरी ये हमारा नारियल का पाउडर है। तो आप इसे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर डाल सकते हो। ज़्यादा मीठा चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हो, जितना है उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें 2.5 कटोरी इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। ये नारियल का जो बर्फी बनता है ना, इसमें शुगर का क्वांटिटी आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, पर ये बहुत मीठी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये नारियल में नारियल में ये शुगर अच्छे से मिक्स होना चाहिए। तो इस तरह से अभी हमें इसका देखो जैसे शुगर मेल्ट होना शुरू हो गई तो ये हमारा मिश्रण थोड़ा सा मॉइस्चरी हो रहा है, थोड़ा सा लूज हो रहा है। हमें लो फ्लेम पे ही चलाना है, नहीं तो ये हमारा मिश्रण नीचे चिपक जाएगा और फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसे हम
लो फ्लेम पे ही चलाएंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। देखो जैसे हमारा मिश्रण की चाशनी बनने लगी है, या ये हमारा मिश्रण इस नारियल में ऑब्जर्व होने लगी है, उस हिसाब से ये हमारा मिश्रण थोड़ा सा ड्राई होने लगा है। अभी हमें इसे जमने की कंसिस्टेंसी में लाना है, तो हम इसे लगातार चलाएंगे। इसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ने से ये नीचे चिपक जाएगा और ये फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ इलायची पाउडर। आप इसमें जायफल का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। मैंने ये इलायची पाउडर शुगर थोड़ा सा शुगर डाल के पाउडर बनाई है। पर डाल के पाउडर बनाने से इलायची जल्दी पिस जाती है, इसलिए मैंने इसे शुगर के साथ पिसा है। आप चाहे तो इसमें इसी स्टेज पे आप इसमें ये डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट कोच आपको ऐड करने हैं ड्राई फ्रूट, तो इसमें चाहे तो मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हो, या जो जो मलाई आता है दूध का ऊपर का निकलता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और शुगर की जगह आप इसमें कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हो, उससे भी बहुत टेस्टी बनती है। पर हर बार ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर में कंडेंस मिल्क हो। और 2-4 मिनट अच्छे से चलाएंगे। देखो ये अभी हमारा मिश्रण है ड्राई हो चुका है, ये अभी जमने की कंसिस्टेंसी में आया है। अभी हमें गैस की फ्लेम ऑफ करनी है और इसे एक ये हमने एक प्लेट लिया है, इसको हमें ना थोड़ा सा घी से ग्रेस करना है ताकि हमारी ये बर्फी हम अच्छे से निकाल पाए, नहीं तो ये चिपक जाएगी। तो इसे मैं हाथ से थोड़ा सा ग्रेस कर देती हूँ। देखो इस तरह से मैंने इसे ग्रेस कर दिया है। अब जो हमने मिश्रण तैयार किया है, जो हमारा बर्फी का मिश्रण है नारियल का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से पूरा इसमें डाल देंगे और इसे हम सेट करने के लिए रख देंगे। इस तरह से हम इसे फैला देंगे, अच्छे से इसे फैला देंगे। आपको जितना थिक चाहिए उसी हिसाब से आप इसे फैला देना। मैंने इसे सेट कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसमें पिस्ता डाल दूँगी जो मैंने चॉप करके रखे हैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए। आप बादाम छोटी छोटी पीसेस में चॉप किए हो डालना चाहते हो वो भी आप ऐड कर सकते हो, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो इस तरह से अभी इसमें प्रेस कर देंगे ताकि ये बर्फी में अच्छे से सेट हो जाए। अभी हमारी बर्फी हम सेट करने के लिए थोड़ी देर साइड में रख देंगे। ये बर्फी सेट करने के लिए रख दी। अभी मैं इसे कम से कम आधा घंटा इसे सेट करने के लिए ऐसे रख देते हैं। देखो अभी हमारी ये बर्फी है ना अच्छे से सेट हो चुकी है, तो अब हम इसे पीसेस में कट कर देंगे। तो आपको जिस तरह के छोटे बड़े पीसेस या स्क्वायर में या आपको काजू कतली के शेप में अगर कट करना है तो आप कर सकते हो। तो मैं इसे कट लगा देती हूँ। इस तरह से आपको जितने बड़े छोटे निकालने हैं पीसेस उस तरह से आप कट लगा सकते हो। ये आप जब सेट करने के लिए रखते हो तब भी आप इसे ये निशान लगा सकते हो। देखो अभी मैं इसके पीसेस निकाल देती हूँ। इस तरह से ये हमने कट लगा है तो इसे निकालना भी इजी हो जाता है। इस तरह से ये हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है और देखो कितनी बढ़िया बनी है। इस तरह से ये बर्फी ना बहुत टेस्टी बनती है, बहुत फटाफट बन जाती है और कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। इस तरह से हम बनाते हैं तो बहुत दिन तक चलती है, ये सबको बहुत पसंद आती है। तो अब हम इसके सारे पीसेस मैं इसे निकाल देती हूँ सारे पीसेस। देखो इस तरह से हमारी ये टेस्टी और स्वादिष्ट बर्फी रेडी है। और देखो इसका कलर बहुत बढ़िया आता है अगर हम इसे लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाएंगे तो, अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो इसका कलर चेंज हो सकता है। और छिलका जब नहीं निकालते तब भी ये थोड़ा सा इसका कलर है ना डार्क हो जाता है या थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इतना वाइट दिखाई नहीं देता है, पर बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट और जैसे ही मुँह में डालते ही घुल जाएगी उस तरह की ये हमारी नारियल की बर्फी बनती है। और बहुत ईजी तरह से ये टूट जाती है और बहुत टेस्टी बनती है, बहुत बनाना आसान भी है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप भी इस तरह की स्वादिष्ट टेस्ट नारियल की बर्फी ज़रूर ट्राई करना।
अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप भी इस तरह से टेस्टी स्वादिष्ट कोकोनट की बर्फ़ी ज़रूर ट्राई करना। बहुत टेस्टी लगती है और ये कम सामान में कम समय में बन जाती है, सबको बहुत पसंद आती है और ये बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं है या ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से आप ये कोकोनट की बर्फी ज़रूर ट्राई करना। हम फिर मिलेंगे नई सिंपल टेस्टी और चटपटी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।